नंबर वन, विच ऑफ फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर, इसमें से कौन से नंबर्स में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर है। यहाँ पर वन इक्वल टू वन यूनिट स्क्वायर किया जा रहा है, तो चलिए यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो ये नंबर में हमारा सेवन है, दूसरे में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये हमारा एट हो गया। सी में देख लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हो गया सिक्स नंबर्स, यहाँ हो जाते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, यहाँ पर नंबर्स ऑफ स्क्वायर नाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्क्वायर किस में बन रहे हैं, तो मैक्सिमम स्क्वायर नंबर नाइन जो है ऑप्शन डी, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाता है अपना टू। Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel, My Paathshala by Neetu Nigam. अभी मैं क्लास थर्ड मैथ्स के अचीवर सेक्शन से चैप्टर वाइज में क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ आपके लिए। इससे पहले भी मैंने नंबर सेंस, कंप्यूटेशन ऑपरेशन, लेंथ, वेट, कैपेसिटी एंड टेम्परेचर, इन सभी टॉपिक से चैप्टर वाइज अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन ला चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज अवश्य देखिए। और आज का हमारा टॉपिक है जियोमेट्री। इस चैप्टर से हम अचीवर सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आपके लिए आ रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू, कंप्लीट द फिगर इन कॉलम वन विद देयर मिसिंग पार्ट विद गिवन कॉलम टू, इसमें कॉलम वन को कॉलम टू से मिलाना है। कॉलम वन में जो मिसिंग पार्ट है वो कॉलम टू का कौन सा मिसिंग पार्ट से कंप्लीट हो जाएगा, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। पहला ये हमारा है, पहला अपना मिल जाएगा ऑप्शन सी। फिर सेकंड हमारा है, सेकंड नंबर्स में जो सेफ है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये डी हो रहा है। थर्ड का ए, थर्ड का हमारा हो जाएगा ए। एंड फोर्थ का हमारा बी। अब हम देखते हैं कि इस तरह का ऑप्शंस कौन से ऑप्शंस में है, ये इस तरह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थ्री, द गिवन फिगर हैज डैश स्टैंडिंग लाइन एंड द स्लिपिंग लाइंस, ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें कितने स्टैंडिंग लाइंस हैं एंड कितने स्लिपिंग लाइन हैं, ये हमें काउंट करके बताना है कितने स्टैंडिंग लाइंस हैं एंड कितने स्लिपिंग लाइंस हैं। तो चलिए इसमें हम काउंट करते हैं। इसमें हमारे स्टैंडिंग लाइन एंड स्लिपिंग लाइन नहीं दिख रहे हैं। स्टैंडिंग लाइंस देखिए इस प्रकार की स्टैंडिंग लाइंस होती हैं और स्लिपिंग लाइन हमारी इस प्रकार की होती है। तो इसमें तो अपना जो है ये स्लिपिंग लाइंस हो गए कितने, यहाँ पर अगर हम स्लिपिंग लाइन काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर, फोर यहाँ पर स्लिपिंग लाइन है और स्टैंडिंग लाइन वन एंड टू, टू हमारा स्टैंडिंग लाइन हो रहा है। इस फिगर्स में स्टैंडिंग एंड स्लिपिंग लाइन शो नहीं हो रहे हैं और ये ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, अलीशा एंड हर फ्रेंड सम हैव सम सेफ गिवन बिलो, ये कुछ सम सेफ दिए गए हैं।
Alisa thought of the shape that are similar in the shortened way as follow. चलिए इसको हम समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं. अलीसा ये कुछ से फॉलो करती है. ऑन व्हाट बेसिक डिड अलीसा डिस्टिंग्विश बिटवीन गिवन शेप, किस आधार पर उस शेप को डिस्टिंग्विश करती है. नंबर ए, शेप आर मेड अप ऑन ओनली फोर साइड्स. बी, द शेप्स आर मेड अप ओनली स्ट्रेट लाइंस. सी, द शेप्स आर मेड अप ऑफ ओनली कर्व लाइंस. एंड डी, द शेप आर मेड अप ऑफ मोर देन फोर साइड्स. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलीसा चूज दोस शेप्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली स्ट्रेट लाइंस. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ओनली स्ट्रेट लाइन को चूज करती है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. The given figure is made up of dash, triangles and square and rectangles. इस शेप के अकॉर्डिंग इसमें कितने ट्रायंगल्स एंड कितने स्क्वायर एंड रेक्टेंगल से बना है. तो चलिए इसको काउंट करते हैं. ट्रायंगल्स कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5. तो ट्रायंगल यहाँ पे हो गया 5. अब स्क्वायर हम देख लेते हैं कितना हो रहा है. तो यहाँ पर स्क्वायर जो है सिर्फ 1 स्क्वायर हो रहे हैं और 1 रेक्टेंगल्स हो रहे हैं. ये 1 रेक्टेंगल्स हो गए. ये हमारा ये 1 स्क्वायर और ये 1 रेक्टेंगल्स. तो करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है 5 ट्रायंगल्स, 1 स्क्वायर एंड 1 रेक्टेंगल्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ स्क्वायर इज ट्रू. स्क्वायर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि स्क्वायर कैसा दिखता है, स्क्वायर किस प्रकार का होता है. तो सबसे पहले हम स्क्वायर को यहाँ पर मेजर कर लेते हैं. ठीक, अब इस स्क्वायर का हमारा इमेज सामने है, इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को हम देखेंगे. द टू साइड्स आर लॉन्गर देन द टू अदर साइड्स. दो साइड्स जो हैं लॉन्गर्स होते हैं अदर दो साइड से. नहीं दिख रहा है इसमें ऐसा. नंबर बी, वन साइड इज शॉर्टर देन अदर शॉर्ट्स. ऑल फोर साइड्स आर डिफरेंट लेंथ. चारों साइड्स के इसके कितने साइड्स हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4. तो फोर साइड्स के डिफरेंट लेंथ नहीं हो रहे हैं. एंड नंबर डी, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल लेंथ. फोर साइड्स जो है इसके इक्वल लेंथ हमें दिख रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4. ये फोर साइड्स हो गए. और इसके ये देखिए, ये फोर साइड्स हैं, इसके इक्वल लेंथ है. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. इसमें हमें मैच करके बताना है कि कौन सा मैचिंग शेडेड फेस ऑफ नेम ऑफ द शेप्स. शेप्स के शेडेड शेप्स के हमें नेम बताने हैं, कौन से नेम से वो मैच हो रहे हैं. तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कौन से मैच से हो रहे हैं. तो शेडेड पार्ट को हमें सिर्फ देखना है. क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, इक्वल मैच शेडेड फेसेस ऑन द नेम ऑफ शेप. पूरे शेप को हमें नहीं ध्यान देना है, सिर्फ हमें ये शेडेड शेड जो है इस पार्ट को ध्यान देना है. तो पी का हमारा ये शेडेड पार्ट क्या हो रहा है, स्क्वायर. एंड क्यू, क्यू का ये जो हो रहा है शेडेड पार्ट क्या हो रहा है हमारा, रेक्टेंगल्स. एंड ये आर का हमारा शेडेड पार्ट
आर का हमारा शेडेड पार्ट जो है ये, चलिए हमने यहाँ पर देख लिया है, ये शेडेड पार्ट है, और यहाँ से ये जो है ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल हमारा जो है ये आर में हो रहा है, और ये हमारा जो है सर्कल हो रहा है, एस का सर्कल हो रहा है। तो इस प्रकार जो है ये ऑप्शंस हमारा कौन कौन सा हो गया, चलिए इसको हम फॉलो करते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो ये ऑप्शंस हो रहा है ऑप्शन बी, पी का 3, क्यू का 1, आर का 4 एंड एस का 2। तो करेक्ट आंसर हो रहा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, नंबर 8। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शंस। अ क्यूब हैज 6 फेसेस, बी अ स्क्वायर हैज नो कॉर्नर, बी अ क्यूबिट हैज 8 कॉर्नर एंड डी अ सिलेंडर हैज 4 फेसेस। तो इसके कौन से ऑप्शन सही हैं ये हम देखेंगे। तो क्यूब हैज 6 फेसेस होते हैं या नहीं होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस इन करेक्ट ऑप्शंस हमें देना है। तो क्यूब हैज 6 फेसेस, यस। द क्यूब इज हैड 8 कॉर्नर, यस। एंड से स्पेयर हैज नो कॉर्नर, यस। एंड सिलेंडर हैज 4 फेसेस इज द रॉन्ग, बिकॉज द सिलेंडर हैज 3 फेसेस। इसके कितने फेसेस होते हैं? 3 फेसेस होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑन द बेसिक ऑफ गिवन फिगर। इसमें कितने स्टैंडिंग्स लाइन है, कितने स्लिपिंग्स लाइन है, कितने स्लैंटिंग्स लाइन है, ये हमें काउंट करके बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन इस प्रकार का होता है। तो इसको काउंट करके हमें बताना है कि कितने स्लिपिंग लाइन, कितने स्टैंडिंग लाइन एंड कितने स्लिपिंग लाइन। तो चलिए सबसे पहले हम स्टैंडिंग लाइन काउंट कर लेते हैं। स्टैंडिंग लाइन काउंट करते हैं, सबसे पहले हमें कितनी स्टैंडिंग लाइन हो रही है। तो स्टैंडिंग लाइन हो गए हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हो गए 13 और ये 14। तो 14 हमारे हो गए स्टैंडिंग लाइन हमारे हो गए 14। अब हम देखेंगे नंबर्स ऑफ स्लिपिंग लाइन, नंबर्स ऑफ स्लिपिंग लाइन हम देख लेते हैं। नंबर्स ऑफ स्लिपिंग लाइन हमारे हो रहे हैं 12। स्लिपिंग लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमारे स्लिपिंग लाइन्स जो हो रहे हैं ये हो रहे हैं 12। और नंबर्स ऑफ स्लैंटिंग लाइन, नंबर्स ऑफ स्लैंटिंग लाइन हम काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्लैंटिंग लाइन हमारे हो जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 एंड 13। तो ये हमारे 13 होगा। सो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, स्ट्रू स्लीपिंग लाइन हमारा 12 हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द फिगर इज मेड ऑफ 4 स्क्वायर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर डब्ल्यू। 4 स्क्वायर से बने हुए हैं, यहाँ पर हमें डब्ल्यू का स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ पे गिवन हमारा हो रहा है W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर दिया गया है।
एंड लेंथ ऑफ वाई एंड जेड, वाई एंड जेड 6 सेंटीमीटर है एंड एक्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 34 इज इक्वल टू 34 माइनस 8 प्लस 6 प्लस 6 बिकॉज y एंड z इक्वल लेंथ है, इसको हम प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20 माइनस 34। जैसे हम माइनस करेंगे 34 माइनस 20 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी 14 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चंस नंबर हमारा हो जाता है 11। सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द शेप दैट कैन ड्रॉ यूजिंग द गिवन सॉलिड शेप। कौन से सॉलिड शेप से ये हमारा मैच कर रहा है, तो चलिए इसके आंसर चेक करते हैं। दिस इज यहाँ पर ये सर्कल एंड रेक्टेंगल हो रहा है, ये सही मैच नहीं है। दिस इज नॉट सही मैच एंड करेक्ट मैच हमारा हो रहा है ऑप्शन सी, दिस इज स्क्वायर सेम शेप हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।